हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपने कभी आज तक सोचा है कि इतने सारे स्कैम होते हैं, हम शायद हजारों करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं और कुछ टाइम बाद हम बोलेंगे इतने लाख करोड़ रुपए के स्कैम इंडिया में हो चुका है। और स्कैम कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज की डेट में, इंडिया इंडिया के बाहर अमेरिका और अलग अलग कंट्रीज़ में हो रहा है। लेकिन पॉइंट आता है कि इतने सारे स्कैम होने के बावजूद भी पुलिस इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है, ऐसा क्या रीज़न है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। खैर, इसमें पुलिस का भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाओगे कि हम अपने घर के इंसान को तो पीट सकते हैं, लेकिन जो घर के बाहर का है उसको कैसे पीटोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर स्कैमर इंडिया के अंदर का है तो पुलिस उसको उठा के उसके डंडा कर सकती है, लेकिन स्कैमर अगर इंडियन है ही नहीं तो क्या करोगे। हाँ, आपको शायद जान के हैरानी हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आज की डेट में जो स्कैम चल रहे हैं उसमें स्कैमर इंडिया के बाहर के हैं, स्पेशली वो स्कैम जो करोड़ों रुपए के हैं। और ये सारे जो स्कैमर्स हैं वो हैं हैकर्स। इसीलिए तो कहता हूँ मैं कि आज की डेट में सबसे अच्छा करियर ऑप्शन कोई है तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही है भाई। खैर, वो सब छोड़ो, वो अलग वीडियो में बताऊँगा मैं करियर ऑप्शन के बारे में। बैक टू ट्रैक कि भैया बात ऐसी कि चाइना, ठीक है, इसके अलावा कम्बोडिया या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत सारे स्कैमर्स और हैकर्स हैं। बेसिकली आप इनको प्रोफेशनल नहीं बट इतनी नॉलेज है कि ये आपकी जेब का पैसा निकाल सकें। ये सारे ऐसे स्कैम्स में इन्वॉल्व होते हैं और लास्ट में जो पैसा होता है घूम फिर के इन लोगों के अकाउंट के पास जाता है। अब ये तो मैं बहुत दिनों पहले ये स्टेटमेंट देना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। आज की और कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, स्कैमर की एग्जैक्ट लोकेशन, वो कहाँ से बात कर रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एविडेंसेस शेयर करूंगा जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे बैकग्राउंड में एक आर्टिकल की कॉपी नज़र आ रही होगी, बिजनेस टाइम्स बिजनेस टुडे की, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। भाई अपनी दो आंखें लगा लेते हैं, कंप्यूटर थोड़ा दूर है। ईडी फाइल्स चार्ज अगेंस्ट चाइनीज ओरिजिन डायरेक्टर अदर इन क्रिप्टो माइनिंग ऐप केसेस। क्रिप्टो माइनिंग ऐप केसेस से पहले बता देता हूँ चाइनीज ओरिजिन डायरेक्टर क्या है, यानी कि वो लोग जो कंपनीज खोल के बैठे हैं इंडिया के अंदर लेकिन इंडिया में कभी रहते नहीं हैं और स्कैम्स कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो इंडिया में रह रहे हैं और एक लीगल कंपनी बना के आपके साथ कलर प्रेडिक्शन के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड करते हैं। तो उनके ऊपर ही ईडी ने चार्जशीट फाइल करी और आपकी आंखें फटी की फटी और कुछ और भी फटा का फटा रह जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि ये टोटल नंबर ऑफ कंपनीज हैं कितनी। हाँ सर, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो चाइनीज से ऐसे करके बंदा नजर आ रहा है ना सर, ये कोई आपको मैंने उदाहरण दिया है सिर्फ, ये बंदा मुझे नहीं पता कौन है, मैं नाम है इसको जानता हूँ। तो इस तरीके से ये बंदा है, मान लो ये चाइना में बैठा हुआ है और ये एक हेड है स्कैम का जिसके पास सारा पैसा जाना है। लेकिन इसके पास पैसा जाता कैसे है, तो ये एक हमारे इंडिया का बंदा है जो इंडियन हेड बनेगा किसी कंपनी का। यानी कि आप पूरी स्टोरी समझो, अभी ये चाइना में बैठा है, इसने एक इंडियन हेड ढूंढा। अब इंडियन हेड को ढूंढा कैसे, आपको ये समझना पड़ेगा। इन्होंने यूज़ करा लिंक्डइन या फेसबुक, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे लोगों को ढूंढा जिनके अंदर पोटेंशियल हो स्कैम या फ्रॉड करने का। फिर ये लोग इनको रिक्रूट करते हैं और बोलते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन चलानी है, स्कैम करना है, हम आपको सारी चीज़ें वेबसाइट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे और आपको हमें कमीशन देना है। यानी कि मान लो मैंने 1,000 रुपये का स्कैम करा तो 300 रुपये ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा, ये जो इंडियन हेड है, और 700 रुपये खुद रख लेगा। ये स्कैम इस तरीके से होगा। अब इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी वो होंगी इंडिया में दो नए चैनल खड़े करने, पहले कौन से, विक्टिम्स के जिनके साथ फ्रॉड होगा, और दूसरा चैनल उन लोगों का जो फ्रॉड का पैसा घुमाने में इसकी मदद करेंगे। अब वो कैसे काम करता है आपको यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये लोग जो नौकरी वाली वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च करते हो, उन वेबसाइट्स पे जाते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं कॉलेज के, उनको जॉब, मनी मैनेजमेंट कंपनी, बैंकिंग के नाम पे हायर करते हैं कि हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, हम एक मनी मैनेजमेंट कंपनी है, और इन स्टूडेंट्स का यूज़ करते हैं जो इलीगल फंड है उनको गोल गोल घुमाने में। और क्योंकि ये स्टूडेंट हैं इनको नहीं पता होता कि ये जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी है और ये स्कैम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता और वो बस जो परसेंटेज 1% 2% स्कैम के पैसों का कमीशन मिलता है उसके चक्कर में पड़ के इन स्कैम्स में फंस जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो 2% की मैं बात कर रहा हूँ ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस को पता चलता है पुलिस इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है और ये बच्चे कभी भी वो पैसा निकाल नहीं सकते। टेक्निकली ये पैसा इन बच्चों का है भी नहीं, ये स्कैम करा हुआ पैसा है, ये पैसा लीगली किसी का भी नहीं है उस बंदे के अलावा जिसने पैसा दिया। दूसरा, ये लोग इन्वेस्टर्स हायर करते हैं। इन्वेस्टर कौन, आप लोग जो
टेलीग्राम चैनल पर जाओगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, फेक वेबसाइट्स पर ऐड करेंगे, आपसे बोलेंगे आप 500 रुपये लगाओ हम आपको 800 रुपये करके देंगे, 1000 रुपये लगाओ हम आपको 1200 रुपये करके देंगे, इस तरीके के टेलीग्राम ग्रुप्स पे, या फिर आपसे कहेंगे आप USDT परचेस करो और उसको इस एड्रेस पे भेजो, एक वेबसाइट बनाएंगे फेक पूरी की पूरी जहाँ पे आपको लगेगा वो USDT उस एड्रेस पे भेजने के बाद भी आपके अकाउंट में, लेकिन वो एक स्कैम होगा, ऐसी वेबसाइट्स बनाएंगे और उसके बाद आपसे पैसा इन्वेस्ट करवाते चले जाएंगे और ये अमाउंट 4-5 करोड़ तक भी पहुंच जाता है जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके साथ। तो ये स्कैम भी चल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे स्कैम ख़त्म नहीं होता सर, अब इस स्कैम को आप ये मान लो आगे बढ़ाते हैं हम स्टूडेंट से नहीं इन्वेस्टर की तरफ से। अब मान लो ये जो इन्वेस्टर हैं इसमें कोई एक डॉक्टर है जिसने स्कैमर्स के कहने पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा और उसने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया स्कैमर ने, जौन सा भी ग्रुप इनको ज्वाइन करने को बोला। जब ये ग्रुप ज्वाइन हुआ तो सर होता क्या है कि इसमें इससे पैसे निवेश करवाए जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कराई जाती है, और जब ये इन्वेस्टमेंट अपने बिल्कुल मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, जैसे मान लो आप 5 करोड़, 4 करोड़, 80 लाख, 70 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, तो ये लोग उस बंदे को ब्लॉक करके इंटरनेट से गायब हो जाते हैं, यानी कि टेलीग्राम से आपको रिमूव कर देंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन ये जो इन्वेस्टर है, जो डॉक्टर है जिसने अपना पैसा इस फ्रॉड एप्लीकेशन में लगाया, इसको मेरी वीडियो देख के पता चल गया कि ये स्कैम का शिकार हुआ, तो ये भागा भागा गया पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाके इसने क्या करा, इसने एक FIR फाइल कराई पुलिस के पास और बोला कि सर मेरे साथ एक स्कैम हो गया और मैंने इस अकाउंट नंबर में पैसा भेजा है। अब ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि ये अकाउंट नंबर है किसका, तो पुलिस को पता चलता है ये अकाउंट नंबर तो किसी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट का है जिसने ये सारा का सारा पैसा घुमाया है, यानी कि पैसा रिसीव करा है, और उस पैसे को फिर आगे क्या कराया इस बच्चे ने, और बैंक अकाउंट में भेज दिया है, फिर और बैंक अकाउंट से वो पैसा फाइनली किसी और एक बच्चे के पास तक भेजा गया और उसको फिर क्रिप्टो करेंसी में, जो आप सामने देख सकते हैं मैंने सिंपल फ़ोन की एक डिस्प्ले में कन्वर्जन दिखाया है कि USDT डॉलर से बिटकॉइन या किसी भी करेंसी में बदल के बेच दिया है। अब पुलिस के लिए कौन यहाँ पे क्रिमिनल है, पुलिस के लिए ये जो स्टूडेंट है ये क्रिमिनल है जिसने ये सारा का सारा पैसा घुमाया है, क्योंकि जैसे ये बच्चा इस पैसे को क्या करता है क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता है, वैसे ही ट्रेल जो है इस पैसे की वो ख़त्म हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो मार्केट में 2009-08 में सर इसीलिए ट्रेंड में आया क्योंकि जब डार्क वेब पर लेन देन करना होता था तो बिटकॉइन का बेनिफिट ये था कि हम ना तो ये पता कर सकते ये पैसा भेजा किसने और ना ही ये पता कर सकते कि ये पैसा गया किसके पास है, क्योंकि वो सारे इनक्रिप्टेड डेटा होता है। लेकिन समहाउ बहुत सारे टूल आते हैं जिनकी मदद से आप जो ट्रांजेक्शन होती है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो वहाँ पे पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये कि हमेशा जब भी आप लास्ट एड्रेस पर पहुँचेंगे आप पाएंगे कि ये पैसा उन कंट्रीज में गया है जो इंडिया की एनिमी कंट्री है, उदाहरण के तौर पे चाइना और पाकिस्तान। चाइना में गए हुए पैसे को कोई दिल्ली या यूपी पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो जाके नहीं ला सकते किसी इंडिविजुअल का, या पाकिस्तान में जाके, क्योंकि हमें पता है ना तो वहाँ से हमें डेटाबेस मिलने वाला है ना ही हमें लॉग फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरीके से ये स्कैम काम करते हैं और पुलिस इनको पकड़ने में नाकामयाब रहती है जो क्रिप्टो स्कैम होते हैं। और आप जो देखते हो कि क्रिप्टो स्कैम बस्टेड बाय पुलिस, बाय अलग अलग स्टेट की पुलिस के आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, वो स्कैम एक्चुअल में क्रिप्टो स्कैम नहीं होते सर, वो क्या करते हैं वो फेक वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें UPI के थ्रू ट्रांजेक्शन करवाते हैं और पुलिस उस UPI और IP एड्रेस की मदद से उन स्कैमर्स को पकड़ लेती है जाके। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो स्कैमर, वो पहला जो इंडियन हेड मैंने दिखाया था, वो वाले होते हैं जिनको पुलिस पकड़ के, हम मतलब ऐसे मान लेते हैं कि हमने फाइनल जो कल्प्रिट है उसको पकड़ लिया, लेकिन वो कभी इंडिया में आता ही नहीं है। अब इसी से बचने के लिए पुलिस ने, स्कैमर्स ने और नए तरीके अपना लिए हैं। स्कैमर्स ने अब क्या कर दिया है कि अलग अलग पोर्टल्स बना दिए हैं, अलग अलग तरीके बना दिए हैं आपके साथ फ्रॉड या स्कैम करने के लिए, आपका फ़ोन हैक करके कि वो खुद ही सारी ट्रांजेक्शन करके आपके फ़ोन से सारा डेटा इरेज कर देते हैं ताकि कल को कोई भी ट्रेल या लॉक फाइल ना मिले। अब यहाँ पे आपको मेरी डिस्प्ले पे एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल की कटिंग नज़र आ रही होगी मेरे बैकग्राउंड में। अब ये कटिंग क्या बताती है सर आपको, अ चार्जशीट हैज़ बीन फाइल अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ अगेंस्ट 299 एंटिटीज, यानी कि 299 कंपनीज के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस है वो फाइल करा गया है, इंक्लूडिंग 10% ऑफ चाइनीज ओरिजिन। इसमें से जो 10 कंपनीज के डायरेक्टर हैं वो चाइनीज ओरिजिन के हैं। और क्या कहते हैं, अलेज ड्यूपिंग ऑफ इन्वेस्टर इन नेम ऑफ माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि जो क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जैसे वो डॉक्टर का एग्जांपल दिया, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई किसान हो सकता है, कोई कॉल सेंटर में काम करने वाला बच्चा हो सकता है, उन सबके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर कह के, कि ये जो इन्वेस्टर है इसको डबल पैसा बनाने का प्रॉफिट का लालच दिया, सच एज क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइंस
और उसके बाद उसका पैसा लेके भाग गए। ये किसने कहा सर? ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने कहा, जिसका आपने आज की डेट में बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। मतलब मुझे लगता है सीजीएल में आज की डेट में टॉप प्रेफरेंस जो है किसी स्टूडेंट या कैंडिडेट का, वो ईडी है भाई। ठीक है, और ईडी काम तो कर रही है। देखो, अ स्पेशल कोर्ट ऑफ दीमापुर एंड नागालैंड ट्यूजडे, ये छोड़ो ये तो आप पढ़ लेना, जो हाईलाइटेड है मैं वो बताता हूँ। अ टोटल ऑफ 299 एंटिटीज इंक्लूडिंग 76 चाइनीज कंट्रोल्ड एंटिटीज, यानी कि इन 299 तो वो है ही हैं, इन 10 को हटा के जो बाकी की 76 एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, उनको भी भाई 76 कंट्रीज को 10 डायरेक्टर जो चाइना के हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, एंड 2 कंट्रोल बाय अदर फॉरन नेशनल्स, यानी कि बाकी चाइना के अलावा किसी और देश के 2 लोग हैं। अब आप समझे मैं क्यों कहता हूँ कि ज़्यादातर पैसा इंडिया के बाहर फ्लो कर रहा है, इंडिया के अंदर की जगह। ठीक है, वैसे तो ये फ्लो कहीं भी करना इसका गलत है, लेकिन उससे भी बुरी बात है कि ये पैसा नक्सलाइट, टेररिज्म, बहुत सारी अलग अलग गतिविधियों के लिए यूज़ होता है इंडिया के अंदर ही। हाँ, आपका पैसा ही आपके विरुद्ध यूज़ होगा, आपको ये समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं इन स्कैम्स के अगेंस्ट लगातार वीडियो बनाता हूँ, इतने थ्रेट मैसेजेस आने के बाद बनाता हूँ। अब तक की वीडियो आपको वीडियो में क्या समझ में आया ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आगे लेके चलता हूँ इसी इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ आपको। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टोरेट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम फ्रॉम एन FIR ऑफ द साइबर क्राइम यूनिट ऑफ कोहिमा पुलिस स्टेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे पुलिस ने अपनी अगली स्टेटमेंट में आपको बताया कि पुलिस हैड सेड एन ऐप, मोबाइल फोन एप्लीकेशन या एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसको आप कहते हैं, बाय द नेम ऑफ HPZ टोकन, ये कोई ऑथराइज नेम नहीं है, रैंडमली कोई भी एक नाम की एप्लीकेशन बनाते हैं, वॉज यूज बाय एक्यूज टू चीट द इन्वेस्टर। पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए फेक एप्लीकेशन बनाई गई, दूसरा इसी एप्लीकेशन की मदद से आपके फोन्स को हैक करके और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करा गया ताकि और ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम करा जा सके, जैसे आपके फोटोज, वीडियोज, आपके डॉक्यूमेंट जो आपके फ़ोन के अंदर अनइनक्रिप्टेड हैं, इसके अलावा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। हाँ, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट किसी स्कैमर के पास कैसे चली जाती है, तो इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको। व्हाट्सएप आपने अपने फ़ोन में हर किसी ने यूज़ करा होगा, जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो आप देखते हो कि व्हाट्सएप में ही आपको आपके सारे कॉन्टैक्ट नज़र आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप अपना व्हाट्सएप कंप्यूटर पर लॉगिन करते हो तो भी आपको आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करने पर दिख जाते हैं, क्योंकि ये सारा डेटा साथ के साथ हर कंपनी के अपने सर्वर पे इंस्टॉल होता है, लेकिन ये आपकी मर्जी से ही होता है। कैसे? जब आप एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप वहाँ पे उसको अलाउ करते हो एक्सेस माय कॉन्टैक्ट। जब तक आप ये अलाउ नहीं करोगे आपके फ़ोन का डेटा हैक नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पता है आपकी बुद्धि में ये बात नहीं घुसने वाली। आगे चलते हैं हम। ईडी ने यहाँ क्या कहा, बैंक अकाउंट एंड मर्चेंट आईडी वर ओपन बाय वेरियस सेल एंटिटीज़। ठीक है, और ये सारी जो एंटिटीज़ हैं ये सारी फेक हैं। मैं आपको बता दूं, इससे जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी पैन कार्ड के ऊपर और फेक कंपनी के ऊपर, आप वो देख लेना, आप समझ जाओगे इंडिया के अंदर किस लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं इस स्कैम में। ओके, डमी डायरेक्टर्स फॉर पर्पज ऑफ लायरिंग ऑफ द प्रोसीड क्राइम्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहती है यहाँ पे, ईडी फ्रॉडेंटली रिसीव फॉर इलीगल ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, जो ऑनलाइन गेमिंग के ऐड आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स पैसे मिलके, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं अब पैसे ले लेते हैं, वो तो लाखों रुपया लेते हैं एडवर्टाइजमेंट करने का, और आप लोग उनके कहने पे एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डालते हो। अभी अजय टॉक्स करके यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक वीडियो बनाई एक बंदे की जो इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करवा रहा था लोगों से क्रिप्टो करेंसी में, और बाद में पता चला वो फ्रॉड है, किसी ने 7 लाख, किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ऐसे ही आप में से ज़्यादातर लोग यूट्यूबर्स के ऐड देख के, उनकी वीडियोज़ देख के क्या करते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हो, कहीं भी पैसा लगा देते हो, कोई भी गेम खेलने लगते हो कि इस गेम को खेल के मैं पैसा बना लूँगा। कोई भी इतना बड़ा चूतिया नहीं बैठा सर आपको पैसा देगा अपनी मेहनत की कमाई का, है ना। हर चीज़ के पीछे एक ना एक गेम जरूर होती है। बैटिंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर बिटकॉइन माइनिंग इट क्लेम, ये सारे स्कैम है। देखो ये सारे स्कैम है। मेरे पास वेल नोन एक यूट्यूबर का कॉल आता है कि यार मेरे को ना एक एप्लीकेशन बनवानी है भाई, जिसमें कलर प्रेडिक्शन या बैटिंग लोग कर सकें। अब आप एक बात समझो, ये जो यूट्यूबर है ना, इसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इससे हेल्प मांगते हैं। अब मैं इसका नाम नहीं ले सकता, नाम लेना आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर मेरे को काफ़ी ट्रबल हो जाएगा उसकी वजह से। लेकिन अंततः मैं ये समझा कि इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली कोई भी चीज़ रियलिटी नहीं होती, किसी की भी बातों पर मत आओ और यकीन मत करो। अपना इस ये जो 2.5 किलो का लेके घूम रहे हो दिमाग, इसको यूज़ कर लो, या 500 ग्राम का जितने का भी होता है ये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 रिटर्न ऑफ ₹4,000 आर डे फॉर 3 मंथ वर प्रोमिस्ड बट मनी वॉज पेड ओनली वंस।
यानी कि इन लोगों से कहा गया कि तुम 7,000 रुपये इन्वेस्ट करो, हम आपको 4,000 रुपये पर डे देंगे। और कब तक देंगे सर? लगातार 3 महीने तक देंगे। और इन लोगों ने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया। अब 4,000 पर डे का मतलब क्या हो गया सर? 4 × 3 = 12, 1,20,000 रुपये महीने की इनकम। 12 × 24 = 36, 3,60,000 रुपये आप 3 महीने में 57,000 रुपये इन्वेस्ट करके कमाओगे। आप खुद सोचो इस बात का कोई तुक है क्या? पॉसिबल है? मेरा एक दोस्त है पाटिल करके, उसने रिसेंटली सेम इसी स्कैम में लगभग 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। और बिलीव मी, वो नेक्स्ट 5 से 7 ईयर तक वो भाई, मैं जानता हूँ वो कैसे करके सर्वाइव कर रहा है, और वो इंस्टॉलमेंट भर रहा है बैंक की। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब स्कैम है, कोई भी ऐसी चीज़ों में सक्सेस नहीं पा सकता, ठीक है। कंट्री वाइड सर्चेज वर अंडरटेकन बाय ईडी एंड इन दिस केस लीडिंग टू द सीजर ऑफ इनमूवेबल एसेट्स एंड डिपॉजिट ऑफ 455 करोड़। 455 करोड़ रुपए ईडी ने यहाँ पे सीज करें इन स्कैमर्स के पास से। लेकिन ये वो अमाउंट है, वो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, वो चीजें हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं, उस पैसे का कुछ नहीं पता सर, उस पैसे का कुछ नहीं पता सर, जो बाकी का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है चाइना के अंदर या फिर बाकी इसकी कंट्रीज के अंदर। खैर, यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को मैं बना ही इसलिए रहा हूँ ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और आप ऐसे जालसाजों की बातों में ना आए। अब लेके चलता हूँ अगली कटिंग की तरफ। ईडी सीज ₹6.47 करोड़ इन एसेट इंक्लूडिंग क्रिप्टो इन चाइना लिंक जॉब फ्रॉड। जो जॉब फ्रॉड मैंने बताया ना, स्टूडेंट को हायर करते हैं, ये उसी का एक पार्ट है। कैसे? अकॉर्डिंग टू ईडी फाइंडिंग, सर्टन चाइनीज इंडिविजुअल ऑपरेटिंग थ्रू मोबाइल ऐप कॉल्ड ईडी फाइंडिंग सर्टन चाइनीज इंडिविजुअल ऑपरेटिंग थ्रू मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप के थ्रू ये इंडिया में स्कैम कर रहे हैं, और उसका नाम है कीप सारर करके, लियोड यंग इंडियंस विद प्रॉमिस ऑफ पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराएंगे, आपको इंटरनेट पे वीडियोस लाइक करनी है, कमेंट करनी है, आपको गूगल पे क्या करना है, आपको रिव्यूज़ देने हैं, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रिव्यूज़ देने हैं प्रोडक्ट के, एंड बस यू आर ग्रेट टू गो। आपको 50 रुपये पर व्यू पर लाइक के मिलेंगे। इस तरीके से ये काम करता है। एंड ये क्या कर रहा है? दिस अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल एंड वेंट ऑन टू स्टेबलाइजिंग कंपनी इन इंडिया रिक्रूटिंग इंडियन एज अ डायरेक्टर। आपको डायरेक्टर भी बनाएंगे ताकि कल को पुलिस आपको उठा के ले जाए, ट्रांसलेटर की भी पोस्ट मिलेगी, एचआर मैनेजर की भी पोस्ट मिलेगी, ताकि आप और लोगों को भी हायर कर सकें। एंड टेल कॉलर्स द कीप सारर ऐप विच वॉज लिंक टू एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ड्यूप द यूथ इन टू इन्वेस्टिंग मनी। समझो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है इंडिया में, इस टाइम बहुत सीरियस इशू चल रहे हैं सर ये स्कैम के। द डायरेक्टेड इन्फोर्समेंट ऑन थर्सडे September 14 को कहते हैं अटैच्ड मूवेबल एसेट्स वर्थ ₹6.47 करोड़, 6.47 करोड़ की, विच इंक्लूड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ 71.3 लाख रुपीज़। जो अमाउंट है उसमें 71.3 लाख का है। उसके बाद कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी इन पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड केस लिंक टू चाइना। डायरेक्टली ये लिंक करता है चाइना से मनी लॉन्ड्रिंग, और इनके ऊपर केस लगाया गया सबके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर में। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन आप सोचिए कि डिजिटल करेंसी के टाइम पे जहाँ हम दुनिया में टॉप पे आ रहे हैं, दुनिया फॉलो कर रही है इंडिया को डिजिटल करेंसी UPI और QR कोड के लिए, वहीं पे हम शायद कहीं ना कहीं दुनिया में टॉप पे आ रहे हैं साइबर क्राइम के विक्टिम बनने में या साइबर क्राइम करने में। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई कि इंडियंस को कैसे फॉरेन कंट्रीज़ में रिक्रूट करा जाता है जॉब के नाम पर, और वहाँ ज़बरदस्ती उनके पासपोर्ट उनसे छीन लिए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनसे ज़बरदस्ती स्कैम कराया जाता है। और उस वीडियो को देखिएगा, आप समझिएगा कि क्या हालत हो रखी है इस टाइम, फिर आप जानेंगे कि ये कितने सीरियस इशू हैं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मोबाइल ऐप कॉल के सारा, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। आगे चलते हैं हम, शेयर देम विक्टिम्स लाइक सेलिब्रिटीज वीडियो। अब क्या फ्रॉडुलेंट स्कैम इन्वॉल्व हैविंग द विक्टिम्स लाइक सेलिब्रिटीज वीडियोज एंड शेयर देम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वंस टास्क कंप्लीटेड। यानी कि जो मैंने आपको बताया, किसी सेलिब्रिटी की रैंडम वीडियो उठाएंगे, आपको लाइक करनी है, शेयर करनी है, और उसके बाद आपको वो पैसे देंगे। और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाती है बाद में। ये प्ले स्टोर से जो कीपी सारा एप्लीकेशन है, इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। द अटैच एसेट टोटलिंग ₹6.47 करोड़ आर एसोसिएटेड विद द सिक्स कंपनी। ये सिक्स कंपनी इसका पैसा था,
टोनिंग वर्ल्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एंसोल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रेड रेकॉन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एन रिजिगो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, टेरा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब हर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, कोई कंपनी ऐसा भी नहीं कि प्रोप्राइटरशिप बेस्ड हो, और ये सारी कंपनियां हो सकता है कि फेक डॉक्यूमेंट पे रजिस्टर करी गई हो, आप में से ही किसी का पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज़ करके। खैर आपको नहीं पता पैन कार्ड और आधार कार्ड कैसे चेक करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन वीडियो में पैन कार्ड की एक वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको एंड तक देखना, उसी वीडियो में मैंने एक जगह पर बताया है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कहीं आपके पैन कार्ड पर कोई कंपनी तो रन नहीं कर रही है। उसके बाद ईडी हैज़ बीन रिवील्ड दैट द स्कैमर चैनल द इल-गॉटन गेन्स फ्रॉम दीज एंटिटीज थ्रू बैंक अकाउंट एंड सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट देम इनटू क्रिप्टो करेंसी, यानी कि इन कंपनीज के जो करेंट अकाउंट्स होते थे उनको स्कैम करने के लिए यूज़ करते थे बिफोर ट्रांसफरिंग दीज फंड टू चाइना, और उसके बाद ये पैसा चाइनीज क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू चाइना में भेज दिया जाता था। अब आप समझे नहीं, ये बात मुझे पता है, चाइनीज एक्सचेंज का मतलब है हम चाहें तो बाइनेंस भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जब बाइनेंस से भारत सरकार डेटा मांगेगी, ईडी डेटा मांगेगी, तो बाइनेंस बाउंड टू शेयर दी फाइल्स और डेटा, ठीक है, उसको देना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी नखरे कर ले, भारत सरकार के पास पावर है, उसको देना पड़ेगा। बट जब चाइनीज हम एक्सचेंज की बात करते हैं बाइनेंस की तरह ही, तो उन एक्सचेंज को कोई ज़रूरत नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को डेटा देने की, वो क्लियरली डिनाई कर सकते हैं प्राइवेसी और पॉलिसीज के नाम पे। तो ऐसा ही होता है, उसके बाद इसीलिए ये चाइनीज चैनल्स का यूज़ करते हैं या फिर डार्क वेब पे जो क्रिप्टो चैनल्स होते हैं उनका। ईडी हैड कंडक्टेड सर्चेज ऑन 12 एंटिटीज इन्वॉल्व इन द केस लीडिंग टू द सीजर ऑफ रुपीज 5.85 करोड़ अंडर द सेक्शन ऑफ 17 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी वीडियो थी इस अमाउंट के ऊपर। अगली जो वीडियो आएगी मेरी कल मॉर्निंग में 10 या 11 बजे, उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कैमर्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, हाँ वो कहाँ से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं और उस स्कैम का मोटिव क्या है। फिर अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक स्कैमर से मैंने खुद ने 10,000 रुपये लिए और उन 10,000 रुपये की FIR कराई और वो फिर मैंने 10,000 रुपये कर दिए डोनेट, क्योंकि मैं जानता था ये पैसा स्कैम का है, लेकिन अगर मैं ना जानता कि ये पैसा स्कैम का है तो हो सकता था कि हर महीने मैं कोर्ट पे एक डेट पे जाता और वहाँ पे अपनी बेल की अर्जी लगाता। बेल की अर्जी क्यों? क्योंकि मैं एज अ साइबर क्रिमिनल देखा जाता। हाँ, ये एक नया स्कैम चल रहा है इंडिया में जहाँ पे बहुत सारे बेकसूर लोगों को अपनी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ रही है, शायद आपको जान के सरप्राइज़ हो, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम है। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल पर नए तो, और हाँ अगर आप हमारे गिव अवे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो लोन ऐप के ऊपर डाली है मैंने डॉक्यूमेंट्री बना के, उसमें जो दो क्वेश्चन पूछे गए उनका जो भी आंसर देगा उसको हमारी तरफ से गारंटीड एश्योर्ड गिफ्ट मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, राम राम।